हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त इम्तियाज रफीक और आप देख रहे हैं टीम इन्विक्टर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी नई गाड़ी टाटा एल्ट्रोज डीजल की माइलेज क्या है। कंपनी क्लेम करती है 25.1 लीटर पर किलोमीटर, लेकिन दोस्तों अभी हमारी गाड़ी की कोई सर्विस नहीं हुई है, तो जो माइलेज आज हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह दो या तीन सर्विसेज के बाद उससे ज्यादा ही गाड़ी में माइलेज देखने को मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं, जो तकरीबन 250 किलोमीटर का सफर होगा, और जो भी डिटेल्स है दोस्तों वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीरो चेक करेंगे, ये देखिए जीरो है और हम डीजल डलवाने वाले। भैया करो फुल टैंक कर दो। तो फुल टैंक का मतलब होता है कि हम बिल्कुल ये दबा के छोड़ देंगे और बिल्कुल हम एंड तक करेंगे, ऊपर तक टिप तक करेंगे। ये टैंक टू टैंक मेथड है जिससे हमें पता चलता है कि गाड़ी की एक्चुअल माइलेज क्या है। इनको भी पता है मैं बाइक भी चलाता हूँ, बोलते भैया बाइक कहाँ रखी है, सर्दी की वजह से बंद। मैंने कहा नहीं वो दिल्ली में है। वैसे वो ना फुल, ये देखिए ये बिल्कुल फुल है, टिप तक आ गया, इसके बाद गिरेगा। ये एग्जैक्टली 28 लीटर आए हैं इसमें, यानी कि 9 लीटर मेरी गाड़ी में भी थे। जैसा कि आपने देखा कि हमने फुल टैंकी कर दी है, अब जो दूसरा बड़ा काम हमें है वो ट्रिप को रीसेट करना है। तो ये ट्रिप ए है और इसको हम रीसेट कर रहे हैं जीरो। ये अपना ट्रिप ए है, ये रीसेट हो गया जीरो पे। तो कल जब मैं स्टार्ट करूंगा अपनी जर्नी तो फिर हम देखते हैं कि क्या कमाल करती है टाटा एल्ट्रोज डीजल वर्जन। The next day. So, दोस्तों आज सुबह सुबह तैयारी हो गई है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी में कितना सामान है, पूरी लोडेड है। ये पूरा बिस्तरा बिस्तरा भरा है एंड इसमें पूरा सामान है घर का मेरा। तो गाड़ी इज फुल लोडेड और मैं एसी नहीं चला रहा हूँ बिकॉज यहाँ सर्दी का मौसम है। इनफैक्ट हीटर चलाऊंगा। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में दूंगा और इसे ज़्यादा लंबी ना करके जितनी शॉर्ट हो सके उतनी रख के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अब इसके बाद मैं आपको सीधे हाईवे पे मिलता हूँ। A few moments later. So, दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं हाईवे पे। 10 किलोमीटर चल चुका हूँ और ये सफर होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर। 8:10 हमने स्टार्ट किया है इस राइड को और मैं बता दूं कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाटा एल्ट्रोज डीजल मॉडल की जो जिसकी अभी पहली सर्विस भी नहीं हुआ है इसमें हमें कितनी माइलेज मिलेगी। मैं अभी इको मोड में ही चल रहा हूँ, लेकिन पहाड़ पे सिटी मोड लगाना जरूरी है, वहाँ पे थोड़ा पावर लैग हो जाता है थोड़ा सा। हम अभी तक चल चुके हैं 43 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली और अभी जो गाड़ी एवरेज माइलेज बता रही 23.1 जो कभी एग्जैक्ट नहीं होती है। ये जम्मू पहुंचने पे ही हमें पता चलेगा कि ये इसकी माइलेज क्या है। बाकी इको मोड में ही चल रहा हूँ, 80 और 100 के बीच में ही चल रहा हूँ। सो दोस्तों ये है हमारी जम्मू कश्मीर की नई वाली रोड टनल जिसको पुनियाल काजीगंज टनल कहा जाता है। और बाय द वे मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो एल्ट्रोज है उसका जो कंपनी रिकमेंड करती है टायर प्रेशर और नॉर्मली 32 होता है अगर आपकी गाड़ी में एक दो सवारियां हो, लेकिन अगर आप चार सवारियां हैं सामान के साथ तो जो टायर प्रेशर रिकमेंड करती है कंपनी दैट इज 35 PSI एंड वही टायर प्रेशर मैंने अपनी गाड़ी में रखा है। बाकी हम अभी तक चल चुके हैं 71.5 किलोमीटर्स और अभी तक की जो एवरेज माइलेज दिखा रहा है 22.7 किलोमीटर पर लीटर। A few minutes later. So, दोस्तों हम कवर कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर्स। अभी तक एवरेज जो हमें माइलेज मिल रही है 24.2 है और मैं आपको बता दूं कि अब यहां से सिंगल जो लेन है मतलब फोर लेन नहीं है, एक ही साइड से दोनों गाड़ियां चलती हैं और ट्रैफिक भी अब ज्यादा है और अब पहाड़ों के बीच में से चल रहे हैं तो गियर शिफ्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सेकंड थर्ड लग रहे हैं। तो अब ऑफकोर्स माइलेज भी कम होगी बट यही देखना है कि कितनी माइलेज कम होगी इन पहाड़ों पे। A few moments later. दोस्तों क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले एक साल से
और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं। अब ईगो मोड से स्पोर्ट मोड पे आने की मजबूरी आ गई है और एवरेज जो माइलेज है वो भी अब ड्रॉप हो गया, 23.3 पे पहुंच गई है और स्पीड भी मेरी अब मैं वही 30-40, 30-40-50 पे चल रहा हूँ। सड़कें भी थोड़ी अब खराब है। One hour later. बता दूं 22 किलोमीटर एवरेज आ गई है, एवरेज फिर से ड्रॉप हो गई है और हम चल चुके हैं 137 किलोमीटर अभी तक। अभी सिटी मोड में चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ईगो मोड में बिल्कुल दम नहीं है तो यहाँ पे सिटी मोड की जरूरत पड़ गई। A few minutes later. So दोस्तों हम अभी तक चल चुके हैं 177 किलोमीटर्स और जो हमारी एवरेज माइलेज है वो डाउन हो चुकी है 21.5 क्योंकि हम पहाड़ के थ्रू आए हैं, ट्रैफिक में आए हैं। अब उधमपुर पहुंचे, यहाँ से फिर से 4 लेन स्टार्ट होता है और फिर से इको मोड में वापस आ गया हूँ मैं। 1 hour later. फाइनली हम जम्मू सिटी एंटर कर चुके हैं और मैं आपको बता दूं अभी तक हम चल चुके हैं 244 किलोमीटर्स और दोस्तों अभी तक गाड़ी जो एवरेज बता रही है 22.22। ओवरऑल मुझे लगता है 15-20% हम ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में चले होंगे, बाकी जो रेस्ट 80-85% है वो हमने हाईवे पे ही ड्राइव किया है। ऑलमोस्ट 90% आई वुड से जर्नी मैंने इको मोड में की और 10% मुझे सिटी मोड यूज़ करना पड़ा। और अभी सामने पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं तो मैं वहाँ जाके टैंक फुल करूँगा फिर से और फिर हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल माइलेज क्या मिली है। 0 दिखाओ पहले, फिर से फुल टैंक करेंगे। भैया दबा के छोड़ दो। अरे भाई भाई इतना गिराने के बाद भी 9.96 बता रहा है और जो रीडिंग है वो 244.8 किलोमीटर है और जो गाड़ी की एवरेज है एज पर गाड़ी की जो कैलकुलेशन है वो 22.1 किलोमीटर पर लीटर है। थैंक्स टू ऑलमाइटी दोस्तों, सफर कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास ऑलरेडी डिटेल्स हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों हमने टोटल 244.8 किलोमीटर कवर किया है और जिसमें हमें 9.96 लीटर का डीजल चला है। कैलकुलेशन करने के बाद ये टोटल बनता है 24.57 किलोमीटर पर लीटर, या शायद आपको दिखे ना दिखे फोकस होगा हाँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एज पर गाड़ी के MID माइलेज थी 22.1, हालांकि मैंने फुल टैंक वापस कराया है जिसमें थोड़ा सा डीजल भी उन्होंने गिरा दिया, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है और जबकि अभी इसकी एक भी सर्विस नहीं हुई है। तो खैर दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आएंगी टाटा एल्ट्रोस से रिलेटेड और जो नॉर्मल मैं न्यूज और बाकी टॉपिक शेयर करता हूँ वो भी आते रहेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कोई सवाल या कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई खबर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बी सेफ एंड करें सबसे प्यार। मैं इम्तियाज रफीक टीम इनविक्टस से साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाय बाय दोस्तों।